टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में टीम इंडिया आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। करोड़ों भारतवासियों को इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम आज खिताब जीतने में कामयाब होगी। करोड़ों भारतवासियों को रात को जश्न मनाने का मौका मिलेगा। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के केपी ग्राउंड पर, जहां आप देख सकते थे कि अब से कुछ देर पहले एक मैच चल रहा था। मैच खेलने के बाद ये खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। मैच में जो अंपायर थे वो दोनों अंपायर भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा की टीम को चीयर अप कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय टीम किस तरीके से कमाल का प्रदर्शन करेगी और देशवासियों को आज खुशी मनाने का मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? समर पांडे। पांडे जी, ये बताइए क्या लगता है आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है? आज विराट कोहली रन बना रहा है, आखिर तक खेलेगा और टीम को जिताएगा। लेकिन विराट कोहली अभी इस पूरे टूर्नामेंट में जो है बहुत अच्छा नहीं खेल सके हैं। अरे क्यों, खेलेगा ना, आज रन बनाएगा विराट कोहली। आप बताइए, बैट पहने हुए हैं, लगता है अभी बैटिंग करके आ रहे हैं, तो बैट्समैन आज मैच जिताएंगे या बॉलर्स जो कि जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है? ऐसा जरूरी नहीं, मतलब पूरा टीम कॉम्बिनेशन जरूरी रहता है। बैट्समैन को भी अपना काम करना होगा, बॉलर्स को भी अपना काम करना होगा। रोहित शर्मा विराट कोहली अच्छी शुरुआत देंगे ऐसा मानना है। तो बैट्समैन मैच जिताएंगे आज? जी जरूर। तो देखिए और भी बच्चे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर कुणाल पटेल। पटेल जी, ये बताइए क्या लगता है कि आज इंडिया जो है वो 2007 का रिकॉर्ड दोहराएगी? जी हाँ सर, जरूर। जैसे कि अभी तक हम देख रहे हैं ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया बहुत अच्छा कर रही है इस वर्ल्ड कप में। बैटिंग में तो थोड़ा निराश किया लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी करी है टीम इंडिया ने, तो मुझे पक्का पता है इस बार हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। विराट कोहली का बल्ला आज चलेगा? जी हाँ, आज जरूर चलेगा। आज विराट और रोहित दोनों ही रन मारेंगे। मतलब ओपनिंग बैटिंग जोड़ी जो है वो वही कमाल कर देगी। क्या नाम है? हर्ष जायसवाल। जायसवाल जी, ये बताइए जश्न की तैयारी है? अब बिल्कुल है। किस तरह से? खुशी मनाएगी और क्या, जीतेगी तो। खुशी मनाएगी, जीतेगी तो, डाउट है क्या? जीतेगी तो है ही, जीतेगी है ही। अच्छा देखिए, हमारे साथ मैच के दोनों अंपायर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी अनूप शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि आप तो अनुभवी हैं, बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट खेले भी हैं, अंपायरिंग भी कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार बताइए कि टीम इंडिया इस वक्त जिस स्थिति में है उससे क्या लगता है कि 2007 की तरह फिर से 2024 में जो है वो खिताब जीतने जा रहे हैं? निश्चित रूप से आज इंडिया चैंपियन होगी। हालांकि दोनों टीमें बराबर हैं, दोनों के बॉलर खासकर स्पिनर और दोनों टीमों के बैट्समैन जो अपर लेवल के हैं 3-4 वो सब फॉर्म पे हैं। थोड़ा सा विराट कोहली नहीं फॉर्म पे चल रहे हैं, मतलब आशा के अनुरूप, लेकिन फिर भी आज उम्मीद है कि उनका बल्ला निश्चित रूप से चलना है। आज विराट कोहली का फॉर्म में ना होना चिंता का सबब है? है, थोड़ा बहुत तो है ही है, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो जिस तरह खिलाड़ी हैं वो कभी भी तो वो उनका फॉर्म कभी भी आ सकता है। देखिए दूसरे अंपायर भी बोल रहे हैं, बताइए क्या कहना है? देश श्रीवास्तव जी, विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज जो कभी भी मतलब फॉर्म में लौट सकता है किसी भी मैच में, अच्छे मैच में, फाइनल सेमीफाइनल वगैरह। और रही बात जीतने की, तो इंडिया को 100% जीत चाहिए। कारण इसका यह है कि हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, जो स्पिनर अब तक पूरे अभी एक भी मैच इंडिया हारी नहीं है और आज फाइनल है, तो उसे बहुत ही अच्छी मतलब उम्मीद की जा सकती है, जीतना ही है, तय है, 100% नो डाउट। तो विराट कोहली का बल्ला ज्यादातर बड़े मैचों में ही जो है वो चमकता है, बड़े मैचों में प्लस अच्छे मैचों में जहां जरूरत होती है। विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है आपके, ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा है, और अभी तक ये क्या नाम है हार्दिक पांड्या अच्छे रन करते हुए चले आ रहे हैं आज 100%। तो हमारे साथ सोमेश्वर पांडे जी हैं, इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी हैं, इन बच्चों के मेंटर भी हैं, कोचिंग भी देते हैं। बताइए, आप अभी यूपी वाले की बात कर रहे थे, तो यूपी वाला लड़का कौन है और उसका क्या रोल रहेगा? कुलदीप यादव आज के मैन में हमारा जो बोलता है वो मन ऑफ द मैच होंगे आज। वजह जो है वो एक ऑलराउंड प्रदर्शन करेंगे, उनकी बॉलिंग हमको जो आज उम्मीद है 4 ओवर में 18 और 19 रन के 3 या 4 विकेट हुआ जरूर। और मैच का पासा कुलदीप यादव ही पलटेंगे। अभी आप देख लीजिए सेमीफाइनल में भी और उसके पहले भी जो भी क्रूशियल मैच था, कुलदीप ने की जो बॉलिंग की उसी की वजह से इंडिया आज यहां तक है। अच्छा, बारिश का साया बताया जा रहा है, 51% जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश हो सकती है,
तो लगता है खलल पड़ेगा, एक अच्छा मैच देखने में रुकावट हो सकती है। रुकावट हो सकती है, अगर बरसात होगी तो रिजर्व डे है तो कल फिर एक मौका रहेगा, और उसके बाद भी अगर ऊपर वाले को नहीं मंजूर रहेगा तो फिर वैसे वहाँ वेस्ट इंडीज में बारिश बहुत ही लाइटली होती है, मतलब तुरंत ही निकल जाने वाला, ज्यादा हैवी रेन नहीं होती वहाँ पे, और छिटपुट होती है फिर उसका कोई प्रभाव नहीं ज्यादा प्रभाव नहीं है। देखिए और बच्चे हैं आगे, आइए बेटा, क्या नाम है आपका? सुदर्शन शुक्ला। ये बताइए शुक्ला जी, पटाखे वगैरह खरीद लिए कि नहीं? यस सर, खरीद लिए। हाँ। जश्न की क्या तैयारी है? बस जैसे मैच जीतेंगे वैसे बजा देंगे, जैसे मैच जीतेंगे वैसे ही बजा देंगे। यस सर। आप क्यों हंस रहे हैं? सर क्योंकि जश्न का माहौल है तो हंसेंगे तो है, जीतेगी इंडिया आज, जीतेगी इस बात का यकीन है। यस। क्या नाम है आपका? आदित्य पाठक। पाठक जी बताइए क्या होने वाला आज के मैच में? आज का मैच बहुत ही शानदार होने वाला है और इंडिया अच्छे रन रेट और अच्छे स्कोर से आज मैच जीतेगी। कौन जिताएगा मैच? ऑब्वियसली रोहित शर्मा, रोहित शर्मा और स्पिनर में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव हैं ही हम लोग के, मतलब रोहित शर्मा आज कप्तानी वाली पारी खेलेंगे। जी बिल्कुल। आप भी आ जाइए जरा आगे, जो है वो आप पीछे पीछे खड़े हुए, आपके पेरेंट्स हैं? जी। अच्छा तो कौन सा बेटा है आपका? ये है जो है, तो क्या क्रिकेट तो आप भी प्रेमी होंगे तभी बेटे को क्रिकेट खिला रहे हैं। जी, जी, आज के मैच को लेके क्या सोच रहे हैं? सोच यही है कि इंडिया 100% जीतेगी और हमारे जितने भी प्लेयर हैं सब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे आज, और हम लोग ये वर्ल्ड कप निश्चित तौर से जीतेंगे। वर्ल्ड कप निश्चित तौर पर जीतेंगे। सोमू भाई आपसे जानना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका की टीम को तो चोकर कहा जाता है कि वो सारे मैच खेलते हैं और हार जाते हैं, पिछले कुछ सालों में इंडिया के साथ भी यही हो रहा है कि वो लीग के सारे मैच जीतते हैं और फाइनल में आकर के सेमीफाइनल में आके हार जाते हैं, तो लगता है आज वो मिथक टूटेगा। देखिए साउथ अफ्रीका के साथ जो मिथक था सेमीफाइनल का, अब वो मिथक उन्होंने तोड़ के फाइनल में आई है, तो आज का जो मैच होगा नो डाउट अच्छा मैच होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं। हाँ, और दूसरी चीज जो है, और इंडिया भी अच्छा खेलती हुई चली आ रही है, बाकी 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर में अगर साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहते, मगर इंडिया का चांसेस 60% है, साउथ अफ्रीका 40%, मतलब ये माना जाए कि कांटे का मुकाबला आज, एक जो क्रिकेट का मुकाबला होता है नजदीकी, वो देखने को आज मिलेगा। जी जी जरूर जरूर जरूर, 60-40 का चांस है, 60 इंडिया 40 साउथ अफ्रीका। आप भी शर्मा जी इसी बात नहीं, मैं और ज्यादा पॉइंट दूंगा इंडिया को, इंडिया का पलटा ज्यादा भारी है। अच्छा क्यों? क्योंकि उनके पास मीडियम पेसर भी क्वालिटी के बुमराह या उनको मैं मानता हूँ कि ये प्लस पॉइंट है, तो इसलिए स्पिनर और मीडियम पेसर दोनों हमारे फॉर्म में भी है, तो मुकाबला तो होगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो क्रिकेटर हैं उनको उम्मीद ही नहीं बल्कि इस बात का पूरा यकीन है कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम आज बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन करेगी। पूरे 11 खिलाड़ी एक टीम के तौर पर खेलेंगे, हर खिलाड़ी का अपना योगदान होगा और टीम एफर्ट की वजह से भारतीय टीम ये खिताबी मुकाबला जीतने में कामयाब होगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।